मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की सख्ती के बाद अब लोक सेवा आयोग से रिजल्ट्स निकलने शुरू हो चुके हैं। 31 अक्टूबर 2022 को हुई इलेक्ट्रीशियन की परीक्षा का रिजल्ट यहां पर निकाल दिया गया है। 22 उम्मीदवार इसमें उत्तीर्ण हैं और सीएम की फटकार के बाद आयोग ने इसमें अपना प्रोसेस तेज कर दिया है। आपको बता दें, अब जो भर्तियां हैं वो लटकी हुई जो भर्तियां हैं उनका रिजल्ट भी निकलेगा। और जो बताया जा रहा है यहां पर, जानकारी जिस चीज की मिली है वो यह है कि जो पोस्ट कोड जो विजिलेंस के दायरे से बाहर है, जो पोस्ट कोड लगभग अभी 8 या 9 पोस्ट कोड और बचे हैं जिनका रिजल्ट यहां पर निकाला जाना है, उसके लिए भी निर्देश जारी कर दिए गए हैं और वो इसी हफ्ते यानी कल से जो हफ्ता शुरुआत जिसकी हो रही है उसी हफ्ते में वो रिजल्ट भी आ जाएंगे। इस तरह का यहां पर आश्वासन दिया गया है। बताया जाता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इस संबंध में लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष से भी चर्चा की है, अधिकारियों से भी चर्चा की गई है कि आखिर रिजल्ट क्यों नहीं निकले। उन्होंने एक दिन पहले ही इस बात को जानकारी उसकी ली और निर्देश उनके दिए और इसी उनके निर्देशों के बाद जो है वो पिछले कल देर शाम को एक रिजल्ट यहां पर निकाल दिया गया है इलेक्ट्रीशियन का। तो 22 उम्मीदवार उसमें उत्तीर्ण हुए हैं और अब जो शेष 8 या 9 पोस्ट कोड बचे हैं उनका भी रिजल्ट यहां पर निकल जाएगा। आपको बता दें कि उनका पूरा रिकॉर्ड जो है वो कर्मचारी चयन आयोग से लोक सेवा आयोग को ट्रांसफर हो चुका है, यानी पूरी औपचारिकताएं जो थी वो कागजात सारे वो लोक सेवा आयोग के पास है और इसी हफ्ते अब ये रिजल्ट भी यहां पर निकाल दिया जाएगा। कर्मचारी चयन आयोग को भंग करने के बाद एक असमंजस की स्थिति अभी तक यहां पर बनी हुई है लोक सेवा आयोग को। हालांकि भर्तियों का सारा जिम्मा अभी फिलहाल दिया गया है लेकिन उनके पास भी पर्याप्त स्टाफ वहां नहीं है और उसके अभाव में जो है वो काफी ज्यादा दिक्कतें हो रही है। अभी नई भर्तियों के लिए किसी तरह का प्रोसेस जो है यहां पर नहीं शुरू हो पाया है, इसलिए और स्टाफ की तैनाती की जाए या कोई ना कोई और रास्ता यहां निकाला जाए। वहीं सरकार ने नई भर्ती प्रणाली के लिए एक कमेटी का गठन भी किया है, कमेटी की दूसरी बैठक हो चुकी है और अभी जो है वो कितनी और बैठकें होंगी इसका कोई अंदाजा अभी फिलहाल नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो प्रदेश का कार्मिक विभाग है, कार्मिक विभाग से इस कमेटी में अभी तक जो है वो किसी को भी शामिल नहीं किया गया है और कार्मिक विभाग से कोई भी जानकारी इस कमेटी ने नहीं ली है। सानन कमेटी है जो यहां पर नई भर्ती प्रणाली को विकसित करने के लिए बनाई गई है। तो अब तक कार्मिक विभाग से कोई भी सलाह मशवरा इस संबंध में नहीं हो सका है और अभी वो कौन से नतीजे पर ये कमेटी पहुंची है ये अब तक कहना मुश्किल होगा। तो भविष्य की जो भर्तियां हैं वो किस तरह से सुचारू रूप से यहां पर हो पाएगी उसको लेकर फिलहाल असमंजस है। लेकिन ये पोस्ट कोड करीब 9 पोस्ट कोड है जिनका फैसला जो है वो जिनका रिजल्ट इसी हफ्ते सामने आने की पूरी उम्मीद यहां पर जताई गई है। हिमाचल पथ परिवहन निगम के एचआरटीसी के पीस मील कर्मचारियों ने जो है वो अनुबंध पर लाने की डिमांड सरकार से उठाई है। अनुबंध से वंचित रह गए 175 कर्मचारी हैं अभी और उन्होंने कहा है कि पॉलिसी के तहत वो कार्यकाल अपना पूरा कर चुके हैं लेकिन सरकार ने अब तक उन्हें अनुबंध पर नहीं लाया है। तो सरकार से उन्होंने अपनी मांग उठाई है और कहा है कि समय रहते इन कर्मचारियों को अनुबंध पर ला दिया जाए। 700 कर्मचारी पूर्व सरकार में और 47 कर्मचारी के ऑर्डर जो है वो पूर्व सरकार में बाद में किए गए थे। तो अभी कुछ कर्मचारी शेष रहते हैं लेकिन उनका अनुबंध कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और अब उन्हें अनुबंध पर लाने की का जो है वो इंतजार यहां पर किया जा रहा है। तो इन कर्मचारियों नाराजगी भी है कि तय समय पर उन्हें जो है वो अनुबंध पर नहीं लाया गया, तो पुराने वर्कर्स की तर्ज पर उन्हें भी अनुबंध पर लाया जाए। नई सरकार है प्रदेश में और नई सरकार के समक्ष एक बार फिर से जो है वो इन पीस मील कर्मचारियों ने अपनी डिमांड रखी है। अब देखना होगा कि एचआरटीसी इन कर्मचारियों को कब तक यहां पर राहत प्रदान करेगी। वहीं करुणामूलक संघ ने भी राज्य सरकार को एक बार फिर से याद दिलाया है कि उन्होंने वायदा किया था सत्ता में आने से पहले, कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया था कि करुणामूलक के लिए एक बढ़िया नीति यहां पर बनाई जाएगी और उन्हें भी रोजगार दिया जाएगा। पिछला एक लंबा इतिहास जो है वो इनका रहा है। करुणामूलक जो संघ है उन्होंने बड़ा संघर्ष जो है वो पिछली सरकार के समय में किया था और तब कांग्रेस पार्टी ने उनसे कुछ वायदा किया था लेकिन अब तक सरकार को आए हुए 6 महीने का समय होने लगा है लेकिन अब तक इनके बारे में कोई भी फैसला नहीं लिया गया है। तो इनकी तरफ से जो करुणामूलक संघ है उन्होंने डिमांड की है, अपना वायदा याद करवाया है कांग्रेस पार्टी को और सरकार से डिमांड की है कि कैबिनेट में उनके लिए एक संशोधित पॉलिसी जो है वो बनाई जाए, 5 लाख की जो आय सीमा है उसको निर्धारित किया जाए, जिन विभागों में खाली पोस्टें नहीं है उन केसों को अन्य विभागों में शिफ्ट किया जाए ताकि उनको रोजगार मिल सके, क्लास सी और क्लास डी में भी जल्द नियुक्तियां इनको प्रदान की जाए। तो पिछली सरकार ने भी इन्हें क्लास डी में नियुक्तियां भी दी थी लेकिन ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें क्लास बी और क्लास सी में भी जो है वो नियुक्तियां मिलनी चाहिए, उस पर अब तक फैसला अटका हुआ है। प्रदेश सरकार के अलग अलग बोर्ड और निगमों में अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाने की चर्चा जो है वो लगातार चल रही है लेकिन अब तक मुख्यमंत्री की तरफ से इसमें कोई भी निर्देश नहीं हुआ है, कोई भी नई नियुक्ति नहीं की गई है। हम आपको बार बार इस संबंध में बताते भी रहते हैं, खासकर राज्य महिला आयोग की अगर हम बात करें तो वहां पर कई मामले यहां लंबित हो चुके हैं, बिना अध्यक्ष के उनका कोर्ट यहां पर नहीं लगता है तो वहां पर काफी ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। इसके अलावा कई और बोर्ड और कॉर्पोरेशन है जहां पर अब तक नियुक्तियां नहीं हुई हैं। तो इन नियुक्तियों को लेकर जो है वो काफी ज्यादा दबाव सरकार केंद्रीय नेताओं पर जो है वो इस संबंध में दबाव बनाया जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि इसी महीने मुख्यमंत्री यहां पर नई जो तैनातियां हैं वो यहां पर कर देंगे। तो कई लोग अभी आस लगाए बैठे हैं लेकिन अब तक उन्हें कोई भी ओहदा यहां पर नहीं मिल पाया है। ऐसे में अब सीएम पर भी खासा दबाव है। इससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने ये मुद्दा उठ चुका है। प्रतिभा सिंह के बाद अब विक्रमादित्य सिंह भी राजीव शुक्ला से मिले हैं। अब देखना होगा कि इस मुलाकात का कितना असर होता है और कब तक जो है यहां पर नई नियुक्तियां बोर्ड और कॉर्पोरेशन में होती है। तो बताया जा रहा है कि
विक्रमादित्य सिंह ने प्रदेश के राजनीतिक हालातों को लेकर फीडबैक वहां पर दिया है, और इस फीडबैक के बहाने जो है वो दूसरी बात भी यहां पर की गई है कि सरकार में ओहदेदारी जो है वो संगठन के लोगों को दी जानी चाहिए। बात करेंगे अफसरशाही की, तो अफसरों को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से निर्देश दिए गए हैं कि और हर एक विभाग को कहा गया है कि वो बताएंगे कि संसाधन जो है वो किस तरह से जुटाए जा सकते हैं। कुछ विभागों की तरफ से कुछ योजनाएं पहले ही दे दी गई हैं, जिस पर कुछ फैसले भी सरकार की तरफ से हुए हैं, लेकिन अभी कई विभाग ऐसे हैं जिनकी तरफ से कोई भी योजना सरकार को नहीं मिली है। तो सीएम ने सभी सचिवों को कहा है कि वो ऐसे प्रपोजल लेके आए विभागों की तरफ से कि हिमाचल प्रदेश में वो विभाग जो है वो किस तरह से अपने संसाधनों को यहां पर जुटा सकते हैं। तो माना जा रहा है कि कुछ योजनाओं को सरकार आने वाले दिनों में बंद भी कर सकती है। हर एक विभाग को कुछ ना कुछ करने का टारगेट जो है वो सरकार की तरफ से दिया गया है। मुख्यमंत्री लगातार समीक्षा करते हैं और विभागों की समीक्षा के दौरान उन्होंने अधिकारियों से इस मामले में एक अलग चर्चा की जाती है कि संसाधन वो लोग किस तरह से जुटा सकते हैं। तो सभी को टास्क जो है यहां पर दिए गए हैं। अब देखना यह होगा कि आगे आने वाले दिनों में किस किस तरह के फैसले जो है वो संसाधन जुटाने के दृष्टिगत यहां पर लिए जा सकते हैं। कैबिनेट की बैठक 6 तारीख को होनी है, शाम के समय कैबिनेट की बैठक होगी और कैबिनेट में कई बड़े फैसले जो है वो इस बार भी लिए जाएंगे। नई भर्तियों के मामले जो है वो कैबिनेट में इस बार जाने वाले हैं। जो प्रस्तावित संभावित जो है वो मामले वहां पर फैसले के लिए जा सकते हैं, जिनमें फॉरेस्ट गार्ड का जो मामला है भर्तियों का वो भी जा सकता है। यहां पर करीब 450 पदों पर जो है वो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती की जानी है। वहीं वित्त विभाग से इसमें मंजूरी भी पहले ही मांगी गई है और साथ ही साथ पुलिस विभाग में भी कांस्टेबल की भर्ती का मामला कैबिनेट में इस बार जा सकता है। लगभग 1200 पदों को भरे जाने की यहां पर भी संभावना है। इसके अलावा उद्योग विभाग में माइनिंग गार्ड की भर्ती का मामला भी विचाराधीन है। इसमें माइनिंग गार्डों की जरूरत जो है वो इस समय काफी ज्यादा जताई जा रही है। जिस तरह से अवैध खनन को प्रदेश में रोकने की तरफ सरकार जो है वो निरंतर कदम उठा रही है, तो ऐसे में जरूरत है कि नए माइनिंग गार्ड भी भर्ती किए जाएं और एक बेहतरीन व्यवस्था जो है वो खासकर सीमाई क्षेत्रों में वहां पर दी जाए। इनके अलावा पुराने जो उद्योगपतियां हिमाचल प्रदेश में जिन्होंने निवेश किया है उनको रियायत देने का मामला भी इस बार कैबिनेट में जा सकता है। उन्हें उद्योग विस्तार में कैपिटल सब्सिडी प्रदान करने की बात जो है वो सरकार सोच रही है। ओपीएस की विकल्प की बात करें तो ओपीएस विकल्प को लेकर वित्त विभाग ने सूचना सभी विभागों से मांग ली है। आपको बता दें वित्त विभाग ने सभी विभागों से कहा है कि वो सूचना दें कि कितने कर्मचारियों ने अब तक उनके विभाग में ओपीएस विकल्प को चुन लिया है। इस पर पूछा गया है ताकि अनुमान लगाया जा सके कि अभी तक कर्मचारी जो है वो असमंजस की स्थिति में पड़े हुए हैं और लगभग 1 महीने का समय जो है वो होने वाला है। अब तक जो है वो कर्मचारी असमंजस की स्थिति में है कि वो विकल्प को चुने या नहीं चुने। जिनका सेवाकाल 10 साल से ऊपर हो चुका है वो शायद ही ओपीएस को अपनाएंगे, वो एनपीएस में रहना ही खुद को बेहतर समझेंगे, मगर कम सेवाकाल वाले कर्मचारी जो है वो ओपीएस को अपना सकते हैं। तो विभागों से पूछा गया है, जानकारी मांगी गई है कि अब तक की उनके पास क्या स्थिति है, इसकी जानकारी दें, क्योंकि लगभग 1 महीने का समय होने वाला है और वित्त विभाग की तरफ से ये निर्देश भी जारी हो चुके हैं। जो संशोधन होना था कानून में ओपीएस के पेंशन रूल्स को लेकर वो भी वित्त विभाग ने कर दिया है और एजी के पास जो है वो केस भी विभागों की तरफ से ही जाएंगे। तो अभी जो विभागों के डीडीओ है उन्हीं से जानकारी मांगी गई है कि वो बताएंगे कि कितने कर्मचारियों ने ओपीएस में जाने का मन बना लिया है, उनके पास कितने मामले यहां पर आ चुके हैं।